मेरे अत्यंत प्रिय साथियों, मेरे नैनों के नूर, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। सबका दिन अत्यंत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक था साधु, वो फटी सी धोती पहनकर एक मंदिर में आया और कहने लगा, हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, करुणामय हैं, जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसने कहा, मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बड़ा मगन होकर के तो उस तरह प्रार्थना कर रहा था। वहीं पे एक नास्तिक बैठा हुआ था, वो ये सब देख करके हंसने लगा और बोला, कैसे पागल हो तुम, अरे तुमने एक पुरानी धोती भरी पहनी हुई है फटी सी, और उसमें भी न जाने कितने छेद हैं, और कह रहे हो कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका शुक्रिया है। दीनहीन अवस्था में तो मंदिर आयो और कह रहे हो आपका शुक्रिया है। तो साधु ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ा ही उसने सुंदर उत्तर दिया, कहा, पागल मैं नहीं हूँ, तू है। अरे जब मैं पैदा हुआ था तो ये फटी हुई धोती भी मेरे पास नहीं थी, कम से कम उस फटी हुई धोती तो मेरे पास है। अब ये प्रभु की कृपा नहीं है तो और क्या है, मैं उसका शुक्रिया अदा ना करूँ तो और क्या करूँ। अब जो नास्तिक था वो उसकी आस्था को देख करके तंग रह गया कि साधु इतना कृतज्ञ भगवान के प्रति। उसने दांतों तले उंगली दबा ली तो मेरे लाडलो, ये तो उस दीन दयालु की कृपा है। उसने मनुष्यों को हवा, पानी, प्रकाश, आकाश और भूमि, अनाज, ये सब उसने बिना कोई मूल्य के दे रखा है। उस महान कृपालु भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। कहते ईश्वर को पाने के लिए सबसे सुंदर तरीका है प्रेम, पर यदि अभी वो नहीं हो रहा तो हमें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए और उसे सीखते सिखाते उस एक से प्यार हो ही जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा सुंदर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। इसीलिए तो वो सत्यम शिवम सुंदरम कहलाता है। तो मेरे लाडलो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। तो लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग से विदा लेती हूँ। बाय बाय।